स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था पर्टर्बेशन थ्योरी। पर्टर्बेशन के लिए एक आता है स्मॉल चेंज इन अ सिस्टम और व्हेन सिस्टम इज पर्टर्ब। पर्टर्बेशन में हमने डीजनरेट और नॉन डीजनरेट केसेस को डिस्कस किया। डीजनरेट और नॉन डीजनरेट को डिस्कस करने के बाद टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। तो पहले हमने टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी को डिस्कस किया था, जिसमें करेक्शंस फाइंड की थी, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर करेक्शंस फाइंड की थी। किसके लिए? एनर्जी के लिए एंड इसका जो सिस्टम था उसके आइगन फंक्शंस के लिए करेक्शंस फाइंड की। उसके बाद हमने बात की थी टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी को डिस्कस किया, फिर लास्ट में ये कहा था कि वहां पर ट्रांजिशंस का लफ्ज यूज किया था। जब ट्रांजिशंस का लफ्ज यूज किया था तो फिर उसके दो केसेस डिस्कस किए थे। केस वन ये था बिफोर टाइम टी, जिसे मैथमेटिकली हमने ये लिखा था टी इज लेस देन जीरो। बिफोर टाइम टी जो कहा था तो उस केस में पर्टर्बेशन जो थी एच प्राइम की जो टर्म थी तो उसको ये कहा था कि ये जीरो होगी। एंड आफ्टरवर्ड्स टाइम जो था टी इज ग्रेटर देन जीरो तो उसमें पर्टर्बेशन टर्म को हम जीरो नहीं लेंगे। तो फर्स्ट केस और सेकंड केस को डिस्कस किया। सेकंड केस को जो डिस्कस किया तो कल का लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें एक चीज हमने यूज की थी कि एब्जॉर्प्शंस ऑफ फोटॉन एंड एमिशंस ऑफ फोटॉन। एब्जॉर्प्शंस ऑफ फोटॉन ये था कि जब सिस्टम की एनर्जी ग्रेटर हो जाए, जिसे मैथमेटिकली ये लिखा था फाइनल स्टेट में ई के जीरो इज इक्वल टू एच कट ओमेगा नॉट प्लस ई आई। तो ये कहा था कि सिस्टम ने फोटॉन को एब्जॉर्ब किया। और जब ये लिखा था ई के जीरो इज इक्वल टू एच कट ओमेगा माइनस ई आई जीरो, तो इस केस में हमने ये कहा था कि सिस्टम ने फोटॉन को रिलीज किया या फोटॉन इमिट हुआ, इमिशंस ऑफ फोटॉन हुई। तो ट्रांजिशंस की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास अगर के शेल एल एम एन शेल हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, और जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा। ये दो मेन पॉइंट है। अब वो एनर्जी रिलीज कर रहा है हायर से लोअर की तरफ अगर आ रहा है, लेट्स सपोज ये हायर और ये लोअर एनर्जी, हायर से लोअर की तरफ आ रहा है एनर्जी रिलीज करेगा, यहां पर ट्रांजिशंस हो रही है। तो पर्टर्बेशंस जो लास्ट हमारा लेक्चर था तो उसमें हमने एक लफ्ज यूज किया था हार्मोनिक पर्टर्बेशंस। हार्मोनिक पर्टर्बेशंस मींस हार्मोनिक पर्टर्बेशंस किसमें थी? टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशंस में। जब टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशंस की हम बात कर रहे थे तो वहां पर हार्मोनिक पर्टर्बेशंस मींस कि वो भी टाइम के ऊपर डिपेंड करे। तो अब हम बात करेंगे ट्रांजिशंस प्रोबेबिलिटी अंडर हार्मोनिक पर्टर्बेशंस कि इसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी ट्रांजिशंस की तो उसको फाइंड करेंगे। उसके लिए एक रिलेशन हम ड्राइव करेंगे जो कि मैथमेटिकल काफी लेंथी मैथमेटिकल स्टेप है, उसके बाद हम फाइंड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो होगी, तो सिस्टम जो था सेकंड लास्ट, अगर लेक्चर आप लोग देखें तो सेकंड लास्ट लेक्चर में हमने ए के टी की वैल्यू फाइंड की थी। पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी से। यहां पर हम लिखेंगे, लेकिन यहां पर जो थर्ड या फोर्थ स्टेप हमारा जो होगा तो उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशंस बहुत लेंथी होगी, तो इस वजह से यहां से हम वो लेंथी स्टेप के लिए पहले से जगह छोड़ देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से कि ये लिखते हैं ए के टी की वैल्यू हमारे पास ये थी ए के ऑफ टी इज इक्वल टू एच प्राइम के आई अवर एच कट आई या आई इंटू एच कट। ये याद रखिएगा ये आयोटा नहीं है, इंटू ई पावर आयोटा ओमेगा के आई प्लस ओमेगा इंटू टी और आयोटा ओमेगा के आई प्लस ओमेगा प्लस
यही जो फंक्शन है e पावर आयोटा ओमेगा के आई प्लस था, तो ये यहां पर माइनस ओमेगा इंटू टी ओवर आयोटा ओमेगा के आई माइनस ओमेगा, ये एक एक टी जो कि सिस्टम की फाइनल स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम स्टार्ट करेंगे किससे, प्रोबेबिलिटी से। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम ये लिखेंगे कि सिस्टम की ये लिखा हुआ है ट्रांजिशंस प्रोबेबिलिटी अंडर हार्मोनिक पर्टर्बेशंस। ये हार्मोनिक पर्टर्बेशंस का लास्ट केस हमारे लास्ट इक्वेशन आई थी, इससे हम अगर फाइंड करें कौन सी ट्रांजिशंस प्रोबेबिलिटी, तो ट्रांजिशन टोटल ट्रांजिशंस प्रोबेबिलिटी की अभी हम बात नहीं कर रहे, जस्ट हम यहां पर प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशंस प्रोबेबिलिटी। तो ट्रांजिशंस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होगा इज इक्वल टू ए के ऑफ टी होल स्क्वायर। जब हम इसे ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा ए के ऑफ टी इंटू ए के स्टेरिक ऑफ टी, इसको नाम दे इक्वेशंस वन का। ए के ऑफ टी इसकी वैल्यू तो यहां पर फाइंड की हुई है, ए के स्टेरिक ऑफ टी तो यहां पर है ए के स्टेरिक ऑफ टी, तो ए के स्टेरिक ऑफ टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां से ही ए के स्टेरिक ऑफ टी इज इक्वल टू एच प्राइम के आई ओवर आई एच कट। जब हम इसका स्टेरिक लेंगे ई पावर आयोटा तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा के आई प्लस ओमेगा इंटू टी और माइनस ओमेगा के आई प्लस ओमेगा प्लस ई पावर माइनस आयोटा ओमेगा के आई माइनस ओमेगा इंटू टी ओवर माइनस आयोटा ओमेगा के आई माइनस ओमेगा। नाउ पुट इन वैल्यू इन इक्वेशंस वन, ए के ऑफ टी एंड ए के स्टेरिक ऑफ टी, इसकी वैल्यू जो है तो इक्वेशंस वन में पुट करेंगे। सो दैट पी इज इक्वल टू एच प्राइम के आई आई एच कट, तो ये भी दोनों सेम है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इनको पहले लिख लें एच प्राइम के आई ओवर आई एच कट और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दो टर्म जो होंगी इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली ये टर्म है ए के ऑफ टी और ए के स्टेरिक की वैल्यू पुट की है ई पावर आयोटा ओमेगा के आई प्लस ओमेगा इंटू टी ओवर आयोटा ओमेगा के आई प्लस ओमेगा, और ये एक चीज कि इसके साथ जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया था लिमिट इंटीग्रल लिया था माइनस वन और ये भी माइनस वन होगा साथ माइनस वन प्लस ई पावर आयोटा ओमेगा के आई माइनस ओमेगा इंटू टी माइनस वन डिवाइडेड बाय आयोटा ओमेगा के आई माइनस ओमेगा इंटू e पावर आयोटा तो माइनस ओमेगा के आई प्लस ओमेगा इंटू टी और माइनस आयोटा ओमेगा के आई प्लस ओमेगा माइनस वन प्लस e पावर
माइनस आयोटा ओमेगा के आई माइनस ओमेगा इंटू टी ओवर माइनस आयोटा ओमेगा के आई माइनस ओमेगा माइनस वन। नाउ द प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल टू एच प्राइम के आई ओवर आई एच कट स्क्वायर ये फर्स्ट टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड के साथ यहां पर सेकंड टर्म को फर्स्ट के साथ फिर सेकंड को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से देखें e पावर आयोटा ओमेगा के आई प्लस ओमेगा इंटू टी माइनस वन फर्स्ट टर्म e पावर माइनस आयोटा ओमेगा के आई प्लस ओमेगा इंटू टी माइनस वन डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस वन तो ये प्लस हो जाएगा ओमेगा के आई प्लस ओमेगा और यहां पर भी ओमेगा के आई प्लस ओमेगा तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस ई पावर आयोटा ओमेगा के आई प्लस ओमेगा इंटू टी माइनस वन ई पावर माइनस आयोटा ओमेगा के आई माइनस ओमेगा इंटू टी माइनस वन डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर तो ये प्लस बन जाएगा क्योंकि साथ माइनस है ओमेगा के ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो इसको ये देखेंगे ओमेगा के आई स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब सेकंड को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो सेकंड टर्म कौन सी है ये वाली टर्म ई पावर आयोटा ओमेगा के आई माइनस ओमेगा इंटू टी माइनस वन इंटू ई पावर माइनस आयोटा ओमेगा के आई प्लस ओमेगा इंटू टी माइनस वन डिवाइडेड बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन एंड ओमेगा के आई स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म तो सेकंड टर्म ई पावर आयोटा ओमेगा के आई माइनस ओमेगा इंटू टी माइनस वन लास्ट टर्म ई पावर माइनस आयोटा ओमेगा के आई माइनस ओमेगा इंटू टी ओवर ओमेगा के आई माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू देखिए यहां पर हमने ये जो है e पावर आयोटा ओमेगा के आई इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस वन के साथ फिर माइनस वन को इसके साथ फिर ये प्लस वन आ जाएगा। इसी तरीके से सब टर्म जो होगी इनको सॉल्व करेंगे तो ये यहां पर ये रहेगा e पावर आयोटा ओमेगा के आई प्लस ये प्लस वाली टर्म और ये माइनस वाली टर्म प्लस और माइनस वाली टर्म कैंसिल e पावर जीरो तो यहां पर वन रहेगा। इसी तरीके से ये सारी टर्म जो होगी इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये वाली जो इक्वेशंस होगी इस इक्वेशंस को मैं यहां पर लिख लेता हूं।
स्टूडेंट यहाँ पर देखें, फर्स्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और माइनस वाली टर्म, तो ये e पावर प्लस और माइनस वाली टर्म, ये e पावर क्या हो जाएगा जीरो, तो e पावर जीरो। इसी तरीके से यहाँ पर सब में लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, तो e पावर जीरो जो होगा तो ये फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट इसमें ही आएगा e पावर जीरो, तो e पावर जीरो वन के इक्वल वन प्लस वन टू, यहां पर ये रहेगा टू। इसी तरीके से वन और ये बन जाएगा वन टू, इन दोनों एक्सपोनेंशियल्स की ये वाली टर्म और सेकंड दोनों टर्म जो आ रही है सेकंड और थर्ड, इनके साथ माइनस आ रहा है तो इसमें से माइनस भी कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा टू माइनस, तो एक्सपोनेंशियल्स की टर्म में से माइनस कॉमन लिया। इसी तरीके से ये जो इक्वेशंस है इन ये वाली इक्वेशंस, तो इसमें ओमेगा के आई स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों में से जो टर्म कॉमन होगी तो उनको भी कॉमन यहां पर लेंगे, तो उनको यहां पर साफ देखेंगे। स्टूडेंट्स यहां पर देख लें, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट वाली टर्म, इनको हमने पहले लिख लिया e पावर जीरो वन प्लस वन टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। इसी तरीके से वन प्लस वन टू और इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो ये लिख लिया। अब ये और ये सेकंड और थर्ड टर्म जो इसमें थी, ये वाली टर्म और ये, तो इन दोनों का हमने यहां पर एलसीएम लिया है, एलसीएम लेकर तो यहां पर लिखेंगे। इसमें जो टर्म कैंसिल हो गई तो उसको कैंसिल कर देंगे, तो उसके बाद हम इस इक्वेशंस को समराइज करेंगे। जब समराइज करेंगे तो लॉन्ग कैलकुलेशंस के बाद हम इसका एक रिजल्ट लिखेंगे। यूअर इक्वेशंस जो थी, इस इक्वेशंस को हमने समराइज किया फॉर एच प्राइम के आई ओवर एच का स्क्वायर, ओमेगा के आई माइनस ओमेगा स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा के आई माइनस ओमेगा इंटू टी ओवर टू। अभी यहां पर हम ये देखेंगे कि रो ई यूज करेंगे, इसको नाम दें किसी इक्वेशंस का, तो ये इक्वेशंस टू। अगर हम ये कहते हैं कि इफ रो ई ये रिप्रेजेंट करे डेंसिटी ऑफ स्टेट को, कि अगर रो ई जो है ये डेंसिटी ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करे, then the total probability of the system is, जो transitions होगी उसकी फिर total probability, तो उसके लिए formula ये बन जाएगा p is equal to, यहाँ पर ये small p लिखा है तो इसको हम capital p से represent करेंगे, total probability is equal to minus infinity to infinity ak of t rho e इंटू डी ई, इसको नाम दें इक्वेशंस थ्री का। तो अब ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है, तो ये बेसिकली क्या है, ये ए के ऑफ टी, यहां पर देखें ये ए के ऑफ टी का होल स्क्वायर है, तो ए के ऑफ टी मींस कि इस प्रोबेबिलिटी की यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, जब यहां पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये फार्मूला हमारा ये ऐसा बन जाएगा, नाउ द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ए के ऑफ टी, तो ए के ऑफ टी की जगह फोर एच प्राइम के आई ओवर एच कट स्क्वायर ओमेगा के आई माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा के आई माइनस ओमेगा ओवर टी इंटू टी और साथ रो ई इंटू डी ई। तो लास्ट ये इक्वेशंस जो है इसको इक्वेशन स्टार का नाम दिया, तो इक्वेशन स्टार रिप्रेजेंट कर रही है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशंस फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट कौन सी थी, जिसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया था, और फाइनल स्टेट जो है तो
वो कैसे रिप्रेजेंट किया था। इसे हम ये भी लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी, ये वाली जो इक्वेशंस आई है इसे के आई, तो के आई मींस की इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेज। तो ये अब हमारा जो टॉपिक था ट्रांजिशंस प्रोबेबिलिटी अंडर हार्मोनिक पर्टर्बेशंस। तो हार्मोनिक पर्टर्बेशंस में क्या है कि ट्रांजिशंस जो है, तो ये इसके लिए हम टोटल प्रोबेबिलिटी ऐसे फाइंड कर सकते हैं। पर्टर्बेशंस क्या है, हार्मोनिक क्या है, हार्मोनिक मींस के लेट्स सपोज हम कोई भी क्रिस्टल लें, ये एज ए एग्जांपल कि अगर हम ये क्रिस्टल ले रहे हैं तो क्रिस्टल में एटम्स हैं। अब ये एटम क्या करेंगे, इनका क्रिस्टल है तो ये सारे सराउंडिंग इसकी सेम होगी, आइडेंटिकल सराउंडिंग होगी। अब ये एटम जब वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेट किसकी वजह से करेगा, चाहे इसके ऊपर फोटॉन फॉल करवाएं, साउंड की वजह से, एक्यूस्टिकल हो, कोई भी इसके ऊपर हम इससे वाइब्रेशंस करें। तो इस केस में कि अगर ये फोटॉन एब्जॉर्ब करे इसकी एनर्जी फिर ज्यादा हो रही है, सिस्टम परटर्ब हो रहा है। फोटॉन को रिलीज करे इसकी एनर्जी कम हो रही है, सिस्टम परटर्ब हो रहा है। अब जो ट्रांजिशंस थी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशंस है, तो उस प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशंस को हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। तो ये इक्वेशन स्टार जो है, तो ये ट्रांजिशंस प्रोबेबिलिटी अंडर हार्मोनिक पर्टर्बेशंस। तो आज इस इक्वेशन तक हमारा जो पर्टर्बेशन थ्योरी जो थी, तो इसके जितने भी टॉपिक थे तो ये कंप्लीट हो गए हैं। टोटल पर्टर्बेशन थ्योरी जो है, तो इसको 6 to 7 या 7 to 8 लेक्चर में डिस्कस किया है। स्टार्ट जो लिया था पहले इंट्रोडक्शन में पर्टर्बेशन थ्योरी को डिस्कस किया, फिर उसके बाद डीजनरेट एंड नॉन डीजनरेट केस को, टाइम इंडिपेंडेंट में पहले टाइम इंडिपेंडेंट उसकी करेक्शंस फाइंड की, जीरो ऑर्डर करेक्शन जो कि ऑलरेडी जो थी वो फाइंड फाइंड की हुई थी। तो उसके बाद हमने फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर करेक्शंस को, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी का इंट्रोडक्शन, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी को एक्सप्लेन किया, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी जो है तो उसके दो केसेस को डिस्कस किया, केस 1 और केस 2 के। उसके बाद हमने ये कहा था कि जो एब्जॉर्प्शन होगा और इमिशन ऑफ फोटॉन, तो वहां पर ट्रांजिशंस होगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ट्रांजिशंस हमने आज डिस्कस किया। तो पर्टर्बेशन थ्योरी जो है यहां तक कंप्लीट हो गई।